इलाज हुआ था, हमसे पीछे करके जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी अभी खड़ा है और चल रहा है, स्कूटी चलाता है, अपना काम धंधा सब कर रहा है। और उसको भी वही जो हमारे यहाँ डॉक्टर आते थे वही डॉक्टर उनको भी उसको फिजियोथेरेपी किया है। और वो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि जिस जिसको हम किए हैं आपके एरिया में सब खड़ा हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर आपका भाई एक नया वीडियो लेकर के आया है और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, बहुत ही अच्छा विषय पर। तो आज का विषय है कि हमारे वीडियो के कमेंट में एक भाई ने, जिनका नाम अर्जुन हाडा करके है, उनका सरनेम हमको याद नहीं आ रहा है, उन्होंने प्रश्न किया कि कंप्लीट इंजरी और अनकंप्लीट इंजरी जो है सो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हर आदमी का अपना अलग अलग लेवल होता है एक्सीडेंट का। किसी का बाइक से होता है, किसी का छत के गिरने से होता है, किसी को पेड़ पर से गिरने से होता है, तो किसी के ऊपर दीवार गिरने से हो जाता है, या किसी को गाड़ी से धक्का लगने से हो जाता है, किसी को फिसल कर गिरने से भी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो सबका लेवल अपना अलग अलग होता है और चोट कितना गहरा है वो अलग होता है, चोट पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हम अपना बता रहे हैं कि हमारा जो ऊंचाई था, हम ठीक होने के बाद उसको नापे थे जा कर के ऊँचाई कितना है, तो 23 फीट ऊंचा था वो पेड़ पर जहाँ से डाल टूटा था। तो दोस्तों हमारा जो था स्थिति, तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारा कंप्रेशन था, मतलब हम जैसे अभी बैठे हैं इसी तरह बैठे ही गिरे थे। तो हमारा कंप्रेशन था, मतलब कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे कर्व हो गया था, ऐसे करके मतलब ऐसे कर्व हो गया था, तो स्पाइनल कॉर्ड को दबाए हुए था और डॉक्टर साहब को हड्डी काटना पड़ा, स्पाइन को एक गुट का काटना पड़ा, तब जा कर के हड्डी जो है सीधा हुआ। उसी में होता ये है कि देखिए, ये एक पाइप है, ये नीलेशन पाइप है, इससे हम मतलब CIC करते थे, CIC के लिए पाइप लाए हुए थे, अभी हम छोड़ दिए, हम लगातार 3 महीना CIC किए थे। CIC से कोई विशेष हमको फ़ायदा नहीं बुझाया और इसमें पैसा ज़्यादा लगता था, क्योंकि ये सिंगल यूज है और एक का दाम 30-35 रुपया पड़ जाता है और मेरे पास आमदनी 1 भी रुपया नहीं है कोई चीज़ का, तो हम कहाँ से लाते, इसलिए हम छोड़ दिए। अब जैसा है इसी तरह किसी तरह दिन काट रहे हैं। जो जैसे देखिए, ये पाइप है, अब ये जो है सो सीधा है, इसमें बिल्कुल यहाँ से पानी डालेंगे नीचे आ जाएगा और यहीं पर बीच में अगर इसको दब जाएगा तो यहाँ पर ये आधा दब गया, तो थोड़ा सा ही बचा इसका रास्ता और दबा हुआ है, तो ये हो गया इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट मतलब इस थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ा सा ब्लड नीचे जा रहा है, इसमें बचा हुआ है थोड़ा सा, ये इनकम्प्लीट हुआ। और यही अगर पूरा तरह से दब जाए तो ये कम्प्लीट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी सेंसेशन नीचे नहीं जा पाएगा, रक्त का बहाव बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पाएगा। तो वो पूर्ण कम्प्लीट हुआ, मतलब वो पूरा अच्छी तरह वो इंजरी हो गया, मतलब उसमें ज़्यादातर बिस्तर से उठने का चांस नहीं रहता है। और इसी में हो, और इसमें भी अगर जिसका केवल दबा हुआ है, मतलब कंप्लीट में भी पूरा दबा हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड बचा हुआ है, टूटा नहीं है, तो उसको चांस रहता है। जैसे स्टेम सेल थेरेपी आ गया है, या मान लीजिए एक्यूपेंचर हुआ या एक्यूप्रेशर हुआ, इसके माध्यम से भी अभी नया नया विज्ञान आया है तो हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का वैशाली का एक लड़का है, वो जो है सो पटना से स्टेम सेल थेरेपी कराया है और 2 महीना हुआ है, तो उस वो बोल रहा था कि 3 महीना का समय हमको दिया है लेकिन 2 महीना में हमको काफ़ी सुधार लग रहा है। तो अब देखिए कि, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है तब तो फिर कोई चांस नहीं, डॉक्टर साहब उसको जोड़ नहीं सकते हैं, अगर बचा हुआ है तब कुछ उम्मीद रहता है। तो यही हुआ कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी, कि इनकम्प्लीट जो है उसमें थोड़ा सा इंजरी होता है, 50% होता है या 70% या 80% होता है इंजरी, लेकिन कंप्लीट में फुल इंजरी हो जाता है 100%, उसमें कोई चांस नहीं होता है कि इंसान उठ करके खड़ा होगा। वैसे तो हमको भी डॉक्टर साहब बोले थे कि हम 1% भी गारंटी नहीं लेते हैं कि तुम उठ करके खड़ा होगा, और उससे भगवान की मर्जी है जहाँ तक ठीक हो जाए। तो ये था कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी। और दूसरी बात दोस्तों, ये देखिए आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है। दूसरी बात देखिए कि
दुखी नहीं रहना चाहिए और मन निराश करके नहीं रहना चाहिए। कहावत है कि जैसा मन वैसा तन बन होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका कंप्लीट इंजरी है तो वो निराश हो जाए या कुछ कर ले। नहीं भाई, अरे आप कम से कम अभी इंटरनेट का जमाना है, कम से कम आप इंटरनेट पे भी देखिए कि एक से एक दिग्गज हैं जो जिनके दोनों पैर कटे हुए हैं और वो जो है सो व्हील चेयर पर बहुत अच्छा ज़िंदगी बिता रहे हैं, पैर वालों से अच्छा ज़िंदगी, लग्जरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और स्पाइनल कॉर्ड या किस शरीर का कोई भी नस नर्व ग्रो तभी करता है जब आप खुश होते हैं। अगर आपके अंदर डर आ गया या किसी चीज़ का टेंशन आ गया तो नस ग्रो नहीं करेगा। आप कभी आजमा कर देखिएगा कि कुछ किसी तरह, जैसे आपके हाथ में या पैर में वेन दिखाई देता है जिसमें कि सिरिंज डॉक्टर साहब लगाते हैं इंजेक्शन, अगर आपको थोड़ा सा टेंशन दिमाग में हो जाएगा तो वो जो है सो वो वेन जो है सो गायब हो जाएगा, जल्दी मिलेगा नहीं। आजमा कर आप देखिएगा। तो उसके लिए खुश रहना चाहिए और अपने आप को बुलंद रखना चाहिए, मन बुलंद रहना चाहिए और खुशहाल रहना चाहिए और तंदुरुस्त रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरियल बन के ऐसे नहीं रहना चाहिए, एकदम तंदुरुस्ती से रहना चाहिए। और एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमको ठीक होना है, चाहे जैसे हो जाए, जितना दिन में हो ठीक होंगे, हम खड़ा हो करके दिखाएंगे चाहे जो हो जाए। तो अगर ये सब लक्ष्य बांध लेते हैं तो आज तक सुने कि जो भी किसी काम को ठान लिया है कि हमको ये करना है वो उस मंजिल तक पहुँच ही जाता है, चाहे देर जितना हो जाए। इसीलिए दोस्तों उदास नहीं होइए, निराश नहीं होइए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को बुलाइए, उनसे भी फिजियोथेरेपी लीजिए। जैसे बिजली के द्वारा वाइब्रेशन देते हैं मसल में, और हमारे जो डॉक्टर साहब आते थे डॉक्टर प्रदीप कुमार, हम उनके पास जाकर भी वीडियो बनाएंगे, उनसे हम बात किए हैं और आप लोगों को उनसे भी रूबरू कराएंगे वीडियो में। उसके बाद हमारे यहाँ पर अगल बगल में हम खोजे थे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, तो 4-5 पेशेंट है, हम सबके यहाँ जाकर के भेंट किए हैं, लेकिन उस समय हम वीडियो नहीं बनाते थे तो मोबाइल भी नहीं था बड़ा, तो हम नहीं लेकर गए थे, लेकिन उनसे भी हम रूबरू कराएंगे। और देखिए कि जिस चीज़ का मतलब इलाज हुआ था, हमसे पीछे करके जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी अभी खड़ा है और चल रहा है, स्कूटी चलाता है, अपना काम धंधा सब कर रहा है, और उसको भी वही जो हमारे यहाँ डॉक्टर आते थे वही डॉक्टर उसको फिजियोथेरेपी किया है। और वो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि जिस जिसको हम किए हैं आपके एरिया में सब खड़ा हो गया है। तो दोस्तों ठीक है, फिर अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, श्री सीताराम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। राम राम।